हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 15 जून 2021 से बनने वाले डेली करेंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, साथ ही आपको बताए जाएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। साथ ही GK करेंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस IIT संस्थान के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को WHO ग्राफटेक का मानद सदस्य नियुक्त किया गया। तो प्रोफेसर मुकेश शर्मा जो हैं वह IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इनसे रिलेटेड। IIT कानपुर के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह का मानद सदस्य जो है वह नियुक्त किया है। वे 194 सदस्य राज्यों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हस्तक्षेप या नीतियों पर WHO सलाहकार समूह का हिस्सा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो देखिए, उन्होंने समग्र शिक्षा योजना के तहत 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बातें हैं। यह समग्र शिक्षा योजना शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो कि प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए, जियोना चाना जो हैं वह मिजोरम के हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, भारत के मिजोरम राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे पेशे से बढ़ई थे, उनकी 38 पत्नियां और 89 बच्चे हैं। उनका जन्म 21 जुलाई 1945 को हुआ था। वे पावल नाम के समुदाय के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जून को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, तो यहाँ देखिए, इस दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य है सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी है? तो देखिए, उन्होंने 5 वर्षों के लिए 498.8 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में वही सारी बातें हैं। इस बजटीय सहायता में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिए, वो खिलाड़ी हैं बारबोरा क्रेजी सिकोवा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, तो चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजी सिकोवा ने अनास्तासिया पावलू चेनकोवा को 6-1, 2-6, 4-6 से हराया है और फ्रेंच ओपन अपने नाम किया। वे इससे पहले क्रेजी सिकोवा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 5 बार डबल्स का खिताब भी जीत चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? तो देखिए, वो देश है चीन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड, तो यहाँ देखिए, G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद के उद्देश्य से बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड लॉन्च किया है। इस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और G7 साझेदार नई वैश्विक बुनियादी ढांचा B3W के लिए सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अर्थशास्त्री रेवेका ग्रीन एस्पेन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया? तो देखिए, उन्हें कोस्टा रिका का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, इस संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय है जिनेवा। वे इसका नेतृत्व संभालने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी क्षेत्र की
पहली व्यक्ति होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ओलिविया क्या है? तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से देखें। यह रिलेटेड है टॉर्टोइस से। हाल ही में तटरक्षक बल ने कानून लागू किए हैं और ओडिशा में ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया था। यह ऑपरेशन हर साल ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है जब वे नवंबर से दिसंबर के महीने में प्रजनन के लिए ओडिशा तट पर घोंसला बनाना शुरू करते हैं। इसके तहत तटरक्षक बल की संपत्ति जैसे फास्ट पेट्रोल वेशल, इंटरसेप्टर क्राफ्ट, एयर कुशन वेशल और डोनियर एयरक्राफ्ट्स के जरिए नवंबर से मई तक 2400 घंटे निगरानी की जाती है। ओलिव रिडले कछुओं को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट के तहत असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में शामिल किया गया। कन्नड़ अभिनेता संचारी विजय का निधन हो गया। चलिए इनके बारे में भी आपको बताएं, तो यहाँ देखिए 14 जून 2021 को प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता संचारी विजय की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वे 38 वर्ष के थे। उनके निधन पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया। उनके निधन के बाद उनके परिवार ने उनके अंगों को दान करने का निर्णय लिया। संचारी विजय का जन्म 1983 में कर्नाटक के चिकमंगलूर में हुआ। उन्होंने अपने करियर में मुख्य रूप से कन्नड़ सिनेमा में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने कई तमिल, तेलुगू और हिंदी फिल्मों में भी कार्य किया। विजय ने अपने करियर के शुरुआत वर्ष 2011 में रंगप्पा होग वीतना फिल्म से की थी। तो आज का ये करंट अफेयर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।